Today, I am delighted to announce that Jio AirFiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. आखिरकार जियो फाइबर का इंतजार खत्म हो गया। आज खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इसकी लॉन्चिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश भर में जल्द ही जियो एयर फाइबर गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को लॉन्च होगा। मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना आम सभा में इसकी घोषणा की। बता दें कि इसके आ जाने के बाद जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क और भी बेहतरीन हो जाएगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर घरों और दफ्तरों में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज देगा। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे थे मुकेश अंबानी। एयर फाइबर यूजेस अ पैन इंडिया 5G नेटवर्क एंड एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज टू बाईपास द नीड फॉर लास्ट माइल फाइबर। थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वी कैन करंटली कनेक्ट अराउंड 15,000 प्रीमाइसेस डेली, बट विद जियो एयर फाइबर वी कैन सुपर चार्ज दिस एक्सपेंशन विद अप टू 150,000 connections per day. This is a tenfold increase, expanding our addressable market over the next 3 years to over 200 million high-paying homes and premises. And through fixed mobile convergence, we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households, where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped इंडियन होम सेगमेंट। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम तो अपने फोन में पहले से ही अच्छी खासी स्पीड में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, वो चाहे आप जियो यूजर्स हों या दूसरी किसी टेलीकॉम कंपनी के। लेकिन आखिर ये जियो फाइबर है क्या? बता दें कि इसका नाम ही एयर फाइबर है, तो अपने नाम से ही ये स्पष्ट है कि तरंगों के जरिए आपको इंटरनेट की तेज स्पीड पहुँचाने का काम होने वाला है। इसमें किसी भी तरह की तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि जियो एयर फाइबर को पेश किया था अपनी इस मीटिंग में, और आज खुद कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इसकी लॉन्चिंग की बात। इसके जरिए वायरलेस तरीके से इंटरनेट की सुविधा दी जाने वाली है। इसकी एक खास बात यह है कि जियो एयर फाइबर में राउटर नहीं होगा, यानी कि आप सिर्फ एक बटन की मदद से रॉकेट जैसी स्पीड से इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। अब निश्चित रूप से इस डिवाइस की लॉन्चिंग के बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। वैसे भी टेलीकॉम की दुनिया में जियो ने बेहद ही कम समय में तेजी से अपने ग्राहक बटोरे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जियो एयर फाइबर की स्पीड आपके क्षेत्र पर निर्भर करेगी। आपके क्षेत्र में जिस तरह के सिग्नल होंगे, डिवाइस भी उसी हिसाब से काम करेगा। इस तरह के डिवाइस लगाने के बाद आप आसानी से वीडियो गेम, हाई रेजोल्यूशन वीडियो कॉल और 8K क्वालिटी तक वीडियो प्ले कर पाएंगे। नए डिवाइस की लॉन्चिंग के बाद जियो एयर फाइबर में 5G एंटीना का उपयोग करने वाला है, और इस सेवा लाभ उठाने के लिए, इस सेवा को इस्तेमाल में लाने के लिए आपको 5G सिम का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। आपको उसमें 5G सिम लगानी पड़ेगी, इसके बाद ही आप 1 GBPS की स्पीड का लाभ उठा पाएंगे। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।